स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सेल के नए 7 फीचर्स और फंक्शंस देखेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला फंक्शन हम देखेंगे वो है इमेज टू टेबल का। तो देखते हैं हम कैसे एक इमेज को अपने एक्सेल में इम्पोर्ट कर सकते हैं एज अ टेबल। सबसे पहले हमें डेटा टैब पर चले जाना है। यहाँ पर फ्रॉम पिक्चर पर क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद डायलॉग बॉक्स में हमें अपने इमेज को क्लिक सिलेक्ट कर लेना है जो हमें इंपोर्ट करना है। फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो डेटा को एनालाइज करेगा और प्रेजेंट कर देगा। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर लें या तो आप रिव्यू कर लें। तो मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा को। इंसर्ट एनी वे पर क्लिक करेंगे और ये टेबल को इम्पोर्ट कर लेगा एज अ टेस्ट। तो आज का हमारा दूसरा फंक्शन है इमेज फंक्शन। तो मान लीजिए आपको किसी भी इमेज को अपने एक्सेल में इनपुट करना है, तो अब वो काफ़ी आसान हो गया है। एक फार्मूला के थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इक्वल्स टू इमेज टाइप कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमास। अब मुझे इस डेटा में टेस्ला का लोगो लाना है इस सेल में, तो हम गूगल पर चले जाएंगे। टेस्ला लोगो मैंने ओपन कर रखा हुआ है। इमेज, ये वाली इमेज को हमें लाना है, तो इस इमेज पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करूंगा, वापस एक्सेल शीट पर जाएंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा लिंक को, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये लोगो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट कर देगा। अब इसी तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के लोगोस को भी यहाँ पर ले आएंगे। अगला फीचर हम देखेंगे पिवट टेबल रिकमेंडेशन का। पिवट टेबल बहुत ही एक ईजी तरीका है किसी भी लास्ट डेटा को समराइज करने का। अगर आप किसी भी डेटा को समराइज करना चाहते हैं पर आपको ये नहीं पता कि उसे कैसे आप बेस्ट फॉर्म में समराइज कर सकते हैं, तो ये फीचर आपके बहुत काम में आने वाला है। तो एक्सेल अपने एआई के थ्रू आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ रिकमेंड करता है कि आप कैसे पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक बड़ा डेटा सेट का। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमें पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पर रिकमेंड पिवट टेबल्स पर क्लिक करेंगे, फिर एक्सेल हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ जनरेट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर जो पहला आइडिया है वो है सम ऑफ़ यूनिट प्राइस बाय सिटी, सिटी के हिसाब से यूनिट प्राइस का टोटल उसने निकाल के दिया हुआ है। अगला है सम ऑफ़ टोटल प्राइस बाय सिटी, सिटी के हिसाब से टोटल प्राइस। उसके बाद है सम ऑफ़ क्वान्टिटी बाई कैटेगरी, सम ऑफ़ क्वान्टिटी बाई सिटी। तो मान लीजिए कि मैं अपने डेटा में जानना चाहता हूँ कि हमने कितनी क्वान्टिटी किस सिटी में बेची हुई है, तो ये वाला पिवट टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे और ये इस तरह से डेटा को प्रेजेंट कर देगा एक नए टैब में। और ये पिवट टेबल कम्प्लीटली एडिटेबल है। यहाँ से आप और भी काफ़ी सारे कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम किसी भी स्टॉक का लाइव प्राइस एक्सेल में ला सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे ITC और TCS की लाइव प्राइस को एक्सेल में लाना है, तो मैं पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। हम डेटा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे जो नेम्स थे उसको स्टॉक के एक्चुअल स्टॉक नेम पर कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ इंसर्ट डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। तो पहले हमें चाहिए इसका लाइव प्राइस, तो हम प्राइस पर क्लिक करेंगे। अगला 52 वीक्स हाई, तो 52 वीक्स हाई। और नेक्स्ट हम पी डेटा इंपोर्ट कर लेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है, प्राइस का डेटा है, ये ऐसे ही स्टैग्नेंट ना रहे, ये बढ़ता या कम होता रहे जैसे कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट में जो भी उसके चेंजेस होंगे। तो हम ITC पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डेटा टाइप, रिफ्रेश सेटिंग, यहाँ पर स्टॉक के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली एवरी 5 मिनट। तो हमारा जो डेटा होगा यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट में अपडेट होता रहेगा, एक्चुअल स्टॉक मार्केट को रेप्लीकेट करेगा एवरी 5 मिनट्स में। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम कैसे किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। इसके लिए हम रोमन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू रोमन, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमारा नंबर मेंशन है, जिस नंबर को हमें रोमन में कन्वर्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नेक्स्ट हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और ये सारे नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हमारा आज का नेक्स्ट फंक्शन है मैनेज प्रोटेक्शन। मैनेज प्रोटेक्शन तब यूज़ किया जाता है जब आपको अपने एक्सेल शीट को किसी भी तरह के एडिट से प्रोटेक्ट करना हो, किसी भी तरह चेंजेस से प्रोटेक्ट करना हो, तब हम मैनेज प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेज प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए पहले हम क्लिक करेंगे रिव्यू पर, यहाँ पर मैनेज प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, प्रोटेक्शन को हम ऑन कर लेंगे। अब
मान लीजिए हमें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रेंज को ही प्रोटेक्ट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड रेंज कर देंगे, यहाँ पर वो उस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। हम शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, पासवर्ड हालांकि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर पासवर्ड डालकर कंफर्म पासवर्ड करके सेव कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम क्या एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इस शीट के यूजर्स के लिए। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि इस शीट का जो यूज़र है वो फॉर्मेट सेल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, तो मैं इसे क्लिक कर लूँगा, तो आप जिसे भी सिलेक्ट करेंगे वो एक्शन अनेबल हो जाएगा इस शीट के यूज़र के लिए, और जिसे अनसिलेक्ट करेंगे वो एक्शन डिसेबल हो जाएगा, ये मतलब कि यूज़र वो एक्शन नहीं कर पाएगा इस शीट पर। अगर आप इस रेंज को एडिट या डिलीट करना चाहते हैं तो इस थ्री डॉट पर क्लिक करके आप इसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ करने के लिए हम इसे यहाँ से क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो आज का हमारा आखिर का जो टॉपिक है वो है कि हम कमेंट्स में कैसे एक हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं, एक क्लिकेबल हाइपर लिंक। तो अभी के जो करंट वर्जन है उससे पहले के वर्जन तक ये जो फीचर है ये अवेलेबल नहीं था, ये एक नया फीचर है। तो पहले देखते हैं हम कैसे काम करता है ये। हम किसी भी सेल पर जाएंगे जहां हमें कमेंट ऐड करना है, वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू कमेंट, और यहां पर हम अपने लिंक को पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ, या फिर जो भी इस एक्सेल को व्यू कर रहा है वो चाहता है इस लिंक पर क्लिक करने के लिए, तो वो इस लिंक पर कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकता है और वो लिंक ओपन हो जाएगी।